आज हम लोग पीएमसी खाताधारक यहाँ पर आजाद मैदान में मोर्चा लेके आए हैं। उसका मुद्दा ये है कि हमारे पैसे बहुत सारे आरबीआई ने ब्लॉक कर दिए 35 लगा के, तो उस मुद्दे पे हम लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे दिन त्यौहार तो सब खराब कर दिए, नवरात्रि खराब कर दी हमारी, हमारा दशहरा दिवाली खराब कर दिया, बच्चों की पढ़ाइयों के पैसे देने थे, बच्चों की एजुकेशन की फीस है, घर में बुजुर्ग हैं, उन सबका पैसे से काम होना है। तो आज ये 35A लगा के आरबीआई ने हमारे पैसे सारे ब्लॉक कर दिए। आज हम फिर से दरख्वास्त करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह और सीतारामन से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि हमारा पैसा रिलीज कीजिए। हमारा कोई गुनाह नहीं है इसमें, ये बहुत हार्ड अर्न मनी है, खून पसीने की कमाई है। ये खून पसीने की कमाई हमने एक एक रुपए करके जोड़ा है। आप जैसे करोड़ों रुपए के लोग जो रिश्वत कर रहे हैं, रिश्वत करके एक एक करोड़ रुपए हमने नहीं जोड़ा है, यहाँ पर हजार हजार रुपए करके जोड़ा है। लोगों के गले नहीं काटे हैं, लोगों का खून नहीं पिया है, ये सिर्फ हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, बहुत मेहनत की कमाई है। तो हम आज फिर दो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं, गवर्नमेंट से, कि हमारा पैसा रिलीज कीजिए। और आप देख रहे हो इस दौरान 6 डेथ्स हो गई है बॉम्बे में, सातवां कल हो गया है, सातवां आज हो गई है, सॉरी, जिसका मुझे ये नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये सब चीजें कब तक देखोगे आप, कब तक बर्दाश्त करोगे? ये जो है इसका अंत जो है बुराई है, इसके बावजूद आप लोग चुप बैठे हो। एक आश्वासन, एक मंच पे खड़े होके आप हमें आश्वासन दे दो कि हमारा पैसा फला तारीख को मिलेगा, हम तब तक घर में जाके सो जाएंगे और फला तारीख को आप हमारा पैसा दे दीजिए। थैंक यू। बोलिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ, मोदी सरकार बोलते थे हम चौकीदार है, हम चौकीदार हो तो सबको पहरा देंगे, किसी को खाएंगे ना, खाएंगे ना खाने देंगे, तो क्या होगा? तो अब हमको कौन बचाएगा?